तो चलिए एक बार आपको दिखाता हूँ मेरे पेनिक कलेक्शन। ये जो हिस्सा है ये अभी तक इनकी टेस्टिंग या फिर मैंने भी अभी तक खोल के नहीं देखा लिखता कैसा है। इसकी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग और इम्प्रेशन देखना बाकी है, राइटिंग इम्प्रेशंस। और बाकी ये देख सकते हैं, बाकी ये जो पेन्स है इसमें काफ़ी की मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कैसा लिखता है, कैसा पेन है। लेकिन बहुत सारा पेन ऐसा भी है जिसको मैंने बरसों तक अभी तक इसमें इंक नहीं डाला है। कभी कभी जस्ट ड्रिप करके देखता हूँ कि ठीक ठाक है कि नहीं। दो तीन पेन तो मेरा ख़राब भी हो चुका है। हालांकि जितने भी पेन ख़राब हुए हैं दे ऑल आर चाइनीज़ पेन्स, मेड इन चाइना। बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी होती है, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त भारी होता है, लेकिन उसकी कलर चले जाते हैं। तो ये करके करके देखिए लास्ट तक आके पहुँच के अप्रॉक्सीमेटली इधर में 115 पेन्स अभी तक इसमें हैं, और काफ़ी सारे अभी भी है जो इधर उधर बॉक्स में रखा हुआ है। तो कुल मिला के मेरे पास अराउंड 130 के आसपास होगा, और ऑलमोस्ट 20 पेन्स अभी ऑलरेडी शिप्ट हो चुके हैं जो अभी आ रहा है। तो काफ़ी मेरे पास चीज़ें हैं आप लोगों को बताने के लिए, काफ़ी कंटेंट जमा है जिससे कि मैं वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो जो ख़ास बात इन पेनों में है कि इन सभी जो पेन है वो एक्सपेंसिव पेन नहीं है, यानी बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही इकोनॉमिकल जो ग्रुप है उसका ये हिस्सा है, ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकें और आम आदमी जो इंडिया का है वो इस पेन को इस्तेमाल करे, फाउंटेन पेन की मज़ा ले सके। सबसे हाइस्ट जो पेन है, जो बीच में जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, हेरिटेज कैनराइट का, वही 1770 का है, और बाकी सब इससे कम दाम का। इसमें 20 रुपीज़ का पेन भी शामिल है। तो चलिए मैंने मेरा जो स्टॉक था वो आपको दिखा दिया है, तो फिर से आऊँगा दूसरे पेन्स को लेके और बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ।